हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले का जो कैलेंडर का नौवा पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आखिरी के साल को काउंट नहीं करते हैं। कब काउंट नहीं करते हैं? जब यहाँ ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब यहाँ 365 दिन वाला साल है, और यहाँ भी ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब यहाँ भी 365 दिन वाला साल है, तब हम आखिरी के साल को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहाँ ऑर्डिनरी ईयर है और यहाँ है लीप ईयर, मतलब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर यहाँ लीप ईयर है और यहाँ है ऑर्डिनरी ईयर, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर यहाँ भी लीप ईयर है और यहाँ भी लीप ईयर है, तब इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस को मैं यहाँ लूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उससे पहले आपको इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, 10 फरवरी 2011 से 9 फरवरी 2012 तक पूरा एक साल हो गया ना। अब ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो एक साल हुआ है, इसमें 10 फरवरी का दिन भी शामिल है और 9 फरवरी का दिन भी शामिल है। एक साल हो गया। अब इस एक साल में 365 दिन होंगे या 366 दिन होंगे? अब देखिए, हमें काउंटिंग कहाँ तक करनी है? 10 फरवरी 2011 से 9 फरवरी 2012 तक। अब यहाँ देखिए, 9 फरवरी 2012, यहाँ क्या 29 फरवरी का दिन आया है? यहाँ 29 फरवरी के दिन की काउंटिंग हुई नहीं है, क्योंकि हमें तो काउंटिंग करनी है केवल 9 फरवरी तक, तो यहाँ 29 फरवरी का दिन नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक जो एक साल हो रहा है उसमें होंगे आपके 365 दिन। अब यहाँ देखिए, 10 मार्च 2011 से 9 मार्च 2012 तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साल हो गया। इसमें 10 मार्च का दिन भी शामिल है और 9 मार्च का दिन भी शामिल है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एक साल हुआ है, इसमें 365 दिन होंगे या 366 दिन होंगे? अब देखिए, यहाँ देखिए, हमें 10 मार्च 2011 से 9 मार्च 2012 तक की काउंटिंग करनी है। अब 9 मार्च 2012, तो यहाँ 29 फरवरी का दिन निकल चुका है, मतलब काउंट हो चुका है, काउंटिंग में आया है 29 फरवरी का दिन। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक साल हुआ है उसमें होंगे आपके 366 दिन, क्योंकि यहाँ 29 फरवरी का दिन शामिल हो गया है। अब देखिए, अब हमें करना है इस क्वेश्चन को, 12 अगस्त 1995 को शनिवार है, तो 30 नवंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, 1995 ये है ऑर्डिनरी ईयर, मतलब 365 दिन वाला दिन, और ये है लीप ईयर, क्योंकि ये चार से कट जाएगा, ये है लीप ईयर। अब यहाँ है 365 दिन और यहाँ है 366 दिन। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो तारीख दे रखी है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 30 में से 12 माइनस करेंगे तब क्या होगा? कितना बचेगा? 30 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 18। अब दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है, इसको करेंगे 7 से डिवाइड, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 × 2 = 14, रिमाइंडर आया 4। दिन की काउंटिंग होगी। अब हम करेंगे महीने की काउंटिंग। सबसे पहले अगस्त, अगस्त के महीने में होते हैं 31 दिन, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अगस्त के बाद आता है सितंबर, 30 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। उसके बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, रिमाइंडर आएगा 3। अब हम, मैंने क्या बताया था, हम आखिरी के महीने को काउंट नहीं करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है आखिरी के महीने को नवंबर को काउंट नहीं करेंगे। तो ये महीने की कैलकुलेशन होगी। अब हम करेंगे साल की कैलकुलेशन। अब 1995 का रिमाइंडर लेंगे, कितना आएगा? क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा 1। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब 1996, ये है लीप ईयर, क्यों? क्योंकि ये 4 से कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 2। इसके बाद कितना आएगा? 1997, ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसका रिमाइंडर आएगा 1। फिर आएगा 1998, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, इसका रिमाइंडर भी होगा 1। फिर आएगा 1999, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, इसका भी रिमाइंडर होगा 1। अब मैंने क्या बताया था, आखिरी के साल को काउंट नहीं करना है। लेकिन यहाँ देखिए, हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है? 12 अगस्त 1995 से 30 नवंबर 2000 तक। अब यहाँ देखिए, 30 नवंबर 2000 तक की काउंटिंग करनी है, मतलब यहाँ 29 फरवरी का दिन भी आया है, क्यों? क्योंकि ये है लीप ईयर और लीप ईयर में 29 फरवरी का दिन होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम पूरे 2000 जो सन 2000 है इसको पूरे को काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ केवल जो 29 फरवरी का जो एक दिन बढ़ गया है हम उसे काउंट करेंगे। यानी जो 2000 में जो सन 2000 है हम उसका केवल एक ही दिन लेंगे, एक दिन। अब टोटल रिमाइंडर कितना हुआ देखिए, 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 12, 13 × 14 = 15, 16 × 17 = 18 और 1 = 19। टोटल रिमाइंडर कितना आया? 19। अब इस 7 को भी, इस 19 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 7 × 2 = 14, फाइनल रिमाइंडर आया 5। अब हम क्या करेंगे, दिन कौन सा? शनिवार। शनिवार से 5 दिन आगे कौन सा दिन आएगा? अब या तो आप शनिवार से 5 दिन आगे चले जाओ, या अगर मैं 5 में 2 जोड़ूँ तो कितना मिलेगा? 7। पूरा सप्ताह बन गया ना। या तो आप शनिवार से 5 दिन आगे चले जाओ, या शनिवार से आप चले जाओ 2 दिन पीछे। शनिवार से 2 दिन पीछे क्या आएगा? शनिवार से 1 दिन पहले आएगा शुक्रवार, और उससे पहले आएगा बृहस्पतिवार, यानी कौन सा दिन होगा? थर्सडे का दिन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन।
दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 2003 ये है ऑर्डिनरी ईयर और 2008 ये है लीप ईयर, क्योंकि ये चार से कट जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तारीख को माइनस करेंगे, 28 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14। अब आप यहाँ एक बात ध्यान रखना, देखिए इन हमने 28 में से 14 माइनस किया ना, तो इन जो 14 दिन आए हैं इन 14 दिनों में 28 तारीख का दिन तो शामिल है, लेकिन 14 तारीख का जो दिन है वो शामिल यहाँ नहीं है। क्यों शामिल नहीं है, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ 10 तारीख और 20 तारीख के बीच में कितने दिनों का अंतर है, तो हम क्या करेंगे 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 दिनों का अंतर है। तो इन 10 दिनों में 20 तारीख का दिन तो शामिल है लेकिन 10 तारीख का दिन यहाँ शामिल नहीं है। अब क्या करेंगे, अंतर कितना है 14 का, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 7 × 14 कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर आएगा 0। अब हम करेंगे महीनों की कैलकुलेशन, जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं रिमाइंडर 3, अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं रिमाइंडर 3, अगस्त के बाद सितंबर में 31 दिन होते हैं रिमाइंडर 2, उसके बाद आएगा सितंबर के बाद अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर को यहाँ काउंट नहीं करना है। अब ये महीने की कैलकुलेशन होगी। अब हम करेंगे साल की कैलकुलेशन, 2003 का रिमाइंडर कितना होगा, लीप ईयर है ये ऑर्डिनरी ईयर है तो इसका रिमाइंडर 1, 2004 ये है लीप ईयर क्योंकि ये 4 से कट जाएगा इसका रिमाइंडर 2, 2005 ऑर्डिनरी ईयर रिमाइंडर 1, 2006 ऑर्डिनरी ईयर रिमाइंडर 1 और 2007 ये भी ऑर्डिनरी ईयर है रिमाइंडर 1। अब देखिए 2008 को 8 का पूरा साल हमें काउंट नहीं करना है, हमें क्या काउंट करना है, देखिए हमने 14 जुलाई से 28 अक्टूबर की काउंटिंग करी है और ये है 2008 मतलब लीप ईयर, तो यहाँ 29 फरवरी का दिन भी होगा, तो 29 फरवरी का दिन क्या यहाँ काउंट हुआ है, हाँ यहाँ 29 फरवरी का दिन काउंट हुआ है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ 14 जुलाई से 28 अक्टूबर की काउंटिंग कर रहे हैं, तो 29 फरवरी का जो दिन है वो यहाँ से पार हो चुका है, निकल चुका है, काउंट में आ चुका है, तो हम यहाँ 2008 का केवल एक ही दिन लेंगे, कितने दिन लेंगे एक दिन। अब टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, ये तो 0 है, 3, 3, 6, 2, 8, 9, 2, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। अब इस 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 7 × 14 फाइनल रिमाइंडर आया 1, यानी सोमवार से एक दिन आगे क्या होगा मंगलवार यानी ट्यूसडे का दिन होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ये है आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ जाएं। 2004 ये कौन सा ईयर है, ये है लीप ईयर क्योंकि 4 से कट जाएगा, 2009 ये है ऑर्डिनरी ईयर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम तारीख की कैलकुलेशन करेंगे, 17 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12, इसको करेंगे 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा 7 × 7 रिमाइंडर आएगा 5। अब हम करेंगे महीनों की कैलकुलेशन, जनवरी से शुरुआत हो रही है, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं रिमाइंडर आएगा 3। अब फरवरी का रिमाइंडर कितना लेंगे, फरवरी है लीप ईयर की फरवरी क्योंकि 2004 लीप ईयर है और लीप ईयर की फरवरी में होते हैं 29 दिन, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, 7 × 28 रिमाइंडर 1। अब मार्च 31 दिन होते हैं रिमाइंडर 3, अप्रैल अप्रैल में 30 दिन होते हैं रिमाइंडर आएगा इसका 2। अब लास्ट का मंथ जो मई है इसको काउंट नहीं करेंगे, ये होगी आपके महीने की कैलकुलेशन। अब हम करेंगे साल की कैलकुलेशन, 2004। अब देखिए 2004 ये कौन सा ईयर है, ये है लीप ईयर और लीप ईयर का रिमाइंडर हमेशा 2 लिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ हम 2004 का जो रिमाइंडर है वो हम यहाँ लेंगे 1। क्यों 1 लेंगे, क्यों 2004 का रिमाइंडर हमने 1 लिया है, जबकि 2004 एक रिमाइंडर किसका लिया जाता है, एक रिमाइंडर लिया जाता है ऑर्डिनरी ईयर का जिसमें 365 दिन होते हैं। अब हमने यहाँ एक दिन क्यों माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ 29 फरवरी का दिन ऊपर यहाँ काउंट कर चुके हैं, हमने फरवरी का रिमाइंडर कितना लिया है 1 लिया है ना, क्यों लिया है, क्योंकि 2004 में 29 तारीख का दिन भी आता है, फरवरी का दिन भी आता है, तो हमने यहाँ फरवरी का जो 29 तारीख का दिन है वो यहाँ काउंट हो चुका है। अगर यहाँ पर 365 दिन वाला साल होता तो हम रिमाइंडर यहाँ कितना लेते, यहाँ हम रिमाइंडर 0 लेते, लेकिन यहाँ हमने रिमाइंडर कितना लिया 1, यानी 29 फरवरी का दिन यहाँ हमने 2004 का यहाँ पहले से ही काउंट कर लिया है, इसलिए 2004 में अब एक दिन कम हो जाएगा, 29 तारीख वाला कितने दिन रह जाएंगे 365 दिन, और 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब 2005 का रिमाइंडर ऑर्डिनरी ईयर है 1 आएगा, 2006 ऑर्डिनरी ईयर 1, 2007 ऑर्डिनरी ईयर 1 और 2008 ये है लीप ईयर क्योंकि 4 से कट जाएगा इसका रिमाइंडर आएगा 2। अब लास्ट का साल देखिए 2009 ये कौन सा ईयर है, ये है ऑर्डिनरी ईयर, इसमें 365 दिन होंगे लेकिन हम 2009 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों काउंट नहीं करेंगे, अगर ये लीप ईयर होता तब तो हम यहाँ 29 तारीख का इसका एक दिन हम यहाँ काउंट कर लेते, लेकिन ये है ऑर्डिनरी ईयर तो इसके हम 2009 के पूरे साल को छोड़ देंगे। अब टोटल रिमाइंडर कितना होगा, 5, 3, 8 और 1, 9, 3, 12 और 2, 14, 15, 16, 17, 18 और 2, 20 टोटल रिमाइंडर आया 20, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 7 × 14 फाइनल रिमाइंडर आएगा आपका 6। इसका मतलब क्या हुआ, मंगलवार से आप 6 दिन आगे चले जाओ, या दूसरा तरीका एक और भी है, आप 6 में 1 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 7, पूरा सप्ताह बन गया ना, यानी आप मंगलवार से 6 दिन आगे जाएंगे तो जो दिन मिलेगा वही दिन, अगर आप मंगलवार से एक दिन
एक दिन कहाँ चले जाएं, पीछे चले जाएं। मंगलवार से एक दिन पहले क्या आएगा, सोमवार यानी मंडे का दिन होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। 2016 यह है लीप ईयर, 2021 यह है ऑर्डिनरी ईयर। सबसे पहले तारीख की कैलकुलेशन, 31 में से 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा 14, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 7 × 14, कंप्लीट डिवाइड हो गया रिमाइंडर आएगा 0। अब करेंगे हम महीनों की कैलकुलेशन। जून से शुरुआत हो रही है, जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन, रिमाइंडर आएगा 2। जुलाई 31 दिन होते हैं, रिमाइंडर आएगा 3। जुलाई के बाद आता है अगस्त, इसमें भी 31 दिन होते हैं, रिमाइंडर आएगा 3। अगस्त के बाद आता है सितंबर, 30 दिन होते हैं, रिमाइंडर आएगा 2। अक्टूबर का महीना लास्ट का जो है, सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर, अक्टूबर का यानी लास्ट के महीने को काउंट नहीं करेंगे। अब करेंगे हम साल की कैलकुलेशन। 2016 ये कौन सा ईयर है, ये है लीप ईयर, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर तो 2 लेते हैं ना, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ इसका रिमाइंडर 2 नहीं लेंगे, इसका रिमाइंडर आएगा 1। क्यों आएगा 1, देखिए 17 जून से शुरुआत हो रही है, 2016 की जो शुरुआत हो रही है वो 17 जून से हो रही है, 29 फरवरी का दिन तो जा चुका है, गया 29 फरवरी का दिन तो यहाँ शामिल ही नहीं हुआ, 17 जून 29 फरवरी के बाद 17 जून से हमें काउंटिंग करनी है 17 जून 2016 से, तो 29 फरवरी का दिन तो यहाँ आया ही नहीं, तो हमें 2016 के 365 दिन लेने होंगे। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1 लेंगे। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, 2016 के बाद क्या आएगा 2017 ऑर्डिनरी ईयर है रिमाइंडर 1, 2018 ऑर्डिनरी है रिमाइंडर 1, 2019 ये भी ऑर्डिनरी ईयर रिमाइंडर 1, 2020 ये है लीप ईयर, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब लास्ट का साल क्या है 2021, ये है ऑर्डिनरी ईयर, इसमें 365 दिन होंगे, लेकिन हम यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर को काउंट नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना है अगर आखिर का साल ऑर्डिनरी है तो उसको काउंट कभी नहीं करते हैं। क्यों, अगर ये लीप ईयर होता तब हम यहाँ पर इसका 29 फरवरी का दिन यहाँ एक दिन काउंट कर लेते, क्योंकि 31 अक्टूबर है 29 फरवरी काउंट हो जाती है यहाँ पर, लेकिन ये है ऑर्डिनरी ईयर तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। टोटल रिमाइंडर कितना हुआ, ये तो 0 है, 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14 और 2, 16। टोटल रिमाइंडर कितना है 16, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा 7 × 14, फाइनल रिमाइंडर आया 2, यानी मंगलवार से 2 दिन आगे, बुधवार एंड बुधवार के बाद बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का दिन होगा, THURSDAY, थर्सडे का दिन होगा। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अब ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है, इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे छोटी डेट वाले, मतलब यहाँ पर होगा मान लो यहाँ पर है आपका 30 मई और यहाँ है आपका 3 सितंबर, तो 3 में से 30 तो माइनस नहीं होगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले डेट की कैलकुलेशन करेंगे, 30 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 27, इसको 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 7 × 21, रिमाइंडर आएगा 6। अब हम करेंगे महीनों की कैलकुलेशन, मई से शुरुआत हो रही है तो मई का रिमाइंडर कितना लेंगे हम 3, क्योंकि 31 दिन होते हैं। मई के बाद जून, जून का रिमाइंडर कितना होगा 2, 30 दिन होते हैं। जून के बाद जुलाई रिमाइंडर 3, अगस्त का रिमाइंडर भी 3, और लास्ट का जो महीना है सितंबर, इसको काउंट नहीं करेंगे। महीनों की कैलकुलेशन होगी, अब हम करेंगे वर्ष की कैलकुलेशन। तो 1996 का रिमाइंडर आप बताइए 1 लेंगे या 2 लेंगे। देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, 3 मई से, मतलब 29 फरवरी का दिन तो शामिल ही नहीं हुआ यहाँ पर, यानी हम यहाँ पर फरवरी का रिमाइंडर 1996 का रिमाइंडर कितना लेंगे, यहाँ 1996 का रिमाइंडर 2 नहीं 1 लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 29 फरवरी का दिन शामिल नहीं है। अब देखिए 1996 के बाद क्या आएगा, 1997 ऑर्डिनरी ईयर है रिमाइंडर 1, 1998 ऑर्डिनरी ईयर है रिमाइंडर 1, 1999 ऑर्डिनरी ईयर है रिमाइंडर 1। अब आ गया 2000, अब ये सन 2000 लीप ईयर है, इसमें 29 फरवरी का दिन भी आएगा, मतलब फरवरी के महीने में 29 दिन भी होंगे। तो कैलकुलेशन कहाँ तक करनी है, 30 मई से 30 सितंबर तक, मतलब 30 सितंबर का मतलब इस यहाँ 29 फरवरी का दिन शामिल हो गया है, तो हम यहाँ से सन 2000 में केवल एक दिन लेंगे, वो होगा आपका 29 फरवरी का दिन। तो 2000 का रिमाइंडर कितना होगा, 2000 का रिमाइंडर होगा 1, मतलब 1 का मतलब एक दिन, ये एक दिन कौन सा है, ये एक दिन 29 फरवरी का लिया गया है। अब मान लो अगर यहाँ पर 1 जनवरी 2000 होता तब आप क्या यहाँ पर एक दिन लेते, नहीं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन 1 जनवरी तक करनी है, 29 फरवरी का दिन तो आया ही नहीं है, तो आप यहाँ पर फरवरी का एक दिन काउंट नहीं करेंगे, तब यहाँ 2000 को सन 2000 का रिमाइंडर कुछ भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 29 फरवरी का दिन आ रहा है, तो हमने वहाँ यहाँ पर 2000 मतलब एक दिन ले लिया 2000 में 29 फरवरी का। अब टोटल रिमाइंडर कितना हुआ, 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब टोटल रिमाइंडर 22, 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा 7 × 21, यानी फाइनल रिमाइंडर आया 1। तो सोमवार के बाद अगला दिन क्या होगा, मंगल
वाह, दिस इज योर आंसर।